ये मेहरानगढ़ किला के बारे में। तो सुनिए, अरस्तु मरस्तीर एक रास्तो के रस्तो इस तरह पुस्तक रहा मेरी अस्तो नास्तु उस तरह। ये मेहरानगढ़ का किला लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगा और यहाँ का नक्काशी तो देखने लायक है, झका। आज मैंने आप लोगों के साथ मेहरानगढ़ फोर्ट ब्लॉग शेयर किया। यहाँ तो एक बार पहले भी आया था। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया। पहले वो मंडोर किले में रहते थे, बाद में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ किला का निर्माण करवाया। किले की नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। सामने जो आपको किला दिख रहा है ये उम्मेद भवन है, जहां प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। राजस्थान का अर्थ ही होता है राजा का स्थान। यहां आपको बड़े से बड़े किले मिलेंगे। ये मेहरानगढ़ किले का अंदर का व्यूज है। यहां कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आपके साथ क्या शेयर करूं, क्या बोलूं, क्योंकि अंदर में पूरा हॉल हॉल है और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। उन्हीं सीढ़ियों के साथ हम लोग अंदर आ रहे हैं। अंदर राजा महाराजा से ढेर सारे चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि अचानक से यहाँ आना पड़ा, पहले का डाटा पढ़ना होता, ऐसे मैं ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, अंदर का डाटा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वास्तुपत्य कला का एक शालीन नमूना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दीवारों के ऊपर बड़े ही अनुशासन से शिल्पकारी की गई है, जो देखने में बेहद ही सुंदर है। महाराज के दरबार के छत को सजाया गया है। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि किसी भी छत को इतनी बारीकी से कैसे सजाया गया है। अंदर में महाराज के लिए शीश महल, जहां रानियों के साथ समय व्यतीत करते थे। दीवारों पर महंगे महंगे पेंटिंग्स लगे हुए हैं, जो बेहतरीन कलाकृति है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से मेहरानगढ़ किले का दीदार करते हैं। हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे हाई एरिया में जा रहे हैं, जहां पर तोप लगी हुई है। चूँकि मैं पहले यहां पर आया हुआ हूं, तो थोड़ा बहुत आइडिया है। आगे बढ़ने के बाद तोप खाने आएंगे। वहां से आप देखोगे कि नीचे पूरा इलाका बसा हुआ है। अगर कोई मिलिटेंट उस समय आता भी है, तो राजा आराम से ऊपर से डिफेंस लेकर उसके अगेंस्ट में फायर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तोप खाने की तरफ बढ़ते हैं। पलटन यहाँ पे बैठे हैं। आए आए आए। मेहरानगढ़ किले के सबसे ऊपर बड़े बड़े तोप लगे हुए हैं, जो 24 घंटे राजघराने की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। हर दिशा में तोप लगे हैं, जो बताते हैं कि उस समय भी राजघराने को मालूम था दुश्मन किस दिशा से आ सकते हैं।
का किला, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगा और यहाँ का नक्काशी तो देखने लायक है, झकास। और ये मेरे साथी गण है, सब मिल के आए यहाँ पे और बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलिए अब आप पहाड़ी के ऊपर बने मेहरानगढ़ किले पर हमारी कुछ वीडियो देखें और रियलाइज करें हम कैसे जीते हैं। गुजरने वाली हवा मेरा, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर मेरे माँ के पैरों को चूम के उसे उसके बेटे का नाम। सच बताऊं साहब, हमारा जीवन ही बदल गया है। पहले परिवार के साथ रहते थे, अब परिवार से बिल्कुल दूर हैं। आपस में गुनगुना कर अपनी माँ अपनी महबूबा को याद कर जीते हैं। साहब एक बात हमेशा याद रखना, घर से दूर रहना इतना भी आसान काम नहीं है। अब आप वीडियो के माध्यम से मेहरानगढ़ किले के सबसे टॉप फ्लोर पर हमारा डांस देखें। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। शुरू में एक बंदा था जो आपसे रशियन भाषा बोल रहा था, वो हमारे अरविंद भाई हैं। अभी और एक वीडियो आएगा जिसमें वो आपसे रशियन भाषा में मेहरानगढ़ किले के बारे में बताएंगे। अभी आपसे और भी बातें करनी है, आपके और करीब जानी है, तो इंतज़ार करें पार्ट थर्ड का। बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं मेहरानगढ़ किला पार्ट थर्ड वीडियो के साथ।